Hello students. Uh, welcome back to my YouTube channel Arc English classes. My dear students of class 10th, today in this video we shall discuss about most important applications which are asked every year in board examination. And for this, you will get four marks. सो माई डियर स्टूडेंट विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम अप्लीकेशन लिखना सीखेंगे जो कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन आप सभी बच्चों के लिए स्क्रीन पर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर यह एप्लीकेशन पूछ ही लिया जाता है तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लिव फॉर टेन डेज़ एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर रियल मदर इन द एबसेंस ऑफ योर फादर इट मीन्स माई डियर स्टूडेंट कि आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के पास एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें आपको उनसे दस दिन की जो है लीव लेनी है क्योंकि आपकी मदर जो है इल हैं और आपके पिताजी घर पर नहीं हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस तरफ से कोने से सबसे पहले हम एक लाइन में लिखेंगे टू और बच्चों टू के बाद हम कामा भी लगा देंगे उसके निचली लाइन से लिखेंगे द प्रिंसिपल फिर उसके बाद विद्यालय का नाम ए बी सी इंटर कॉलेज एरिया जो भी है बस्ती उसके बाद बच्चों अगली लाइन सर के बगल हम कामा लगा देंगे फिर लिखना शुरू करेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से दैट माई मदर इज सीरियसली इल फादर हैज़ ग आउट ऑफ स्टेशन तो बच्चों इसी क्रम में हम और लिखेंगे देयर इज़ नो बड़ी इन हाउस टू लुक आफ्टर हर फिर बच्चों हम लाइन को चेंज कर लेंगे आपने जो है अपनी दिक्कत यहाँ बता दी है कि मैटर क्या है शुरुआत में तो फिर हम लाइन चेंज करके किनारे से कोने से फ्रेश लाइन से लिखेंगे आई और फिर कामा लगाएंगे देयर फॉर फिर कामा लगाएंगे रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी टेन डेज़ लीव फ्राम टूडे और बच्चों अगर आपको डेट भी प्रेस्क्राइब करना है तो फ्राम टुडे या फ्राम के बाद बच्चों हम फला डेट से फ़ला डेट तक दस दिन की छुट्टी मांगना है तो दस दिन का गैप आप जो है यहाँ कि दस दस दो हज़ार बाईस टू उन्नीस दस दो हज़ार बाईस ऐसा हम लिख सकते हैं और नहीं तो फिर इतना ही सही है फ्राम टुडे फिर बच्चों अगली लाइन लिखनी है किनारे से नए लाइन से आई सेल वी हाईली ओबलाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस आई सेल वी हाईली ओबलाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस फिर बच्चों नई लाइन से किनारे से ही थैंकिंग यू और बच्चों इसी थैंकिंग यू के नीचे हम डेट डाल देंगे जिस डेट में आप अप्लीकेशन दे रहे हैं जैसे कि यहाँ दस दस दो हज़ार बाईस तेईस जो भी आप लिख रहे हैं वही डाल देंगे और इस साइड में बच्चों डेट के विपरीत इधर लिखेंगे आप नीचे जहाँ अप्लीकेशन समाप्त हुआ है योवर्स ओबीडियटली फिर हम नीचे नेम क्लास सेक्शन इत्यादि लिखेंगे तो बच्चों आई होप जो है आपको फर्स्ट लेटर सॉरी फर्स्ट अप्लीकेशन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा तो माई डियर स्टूडेंट नाउ लेटेस्ट मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर टू बच्चों आपको इस वीडियो में दो अप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है इसलिए आप वीडियो को अंदर देखें और समझने का प्रयास करें बच्चों क्वेश्चन नंबर टू आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू थ्री डेज़ लीव बिकॉज़ यू वॉन्ट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर बच्चो ये लेटर ये अप्लीकेशन भी बराबर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इसमें आपको जो है अपने भाई की शादी को अटेंड करना है जिसके लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से थ्री डेज़ लीव माँगनी है तीन दिन की छुट्टी मांगनी है बच्चों बस इसमें क्या होता है जहाँ ब्रदर है कभी कभार योर सिस्टर सिस्टर पर आ जाता है कभी कभार कज़िन पर आ जाता है तो आप बीच में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अगर सिस्टर पर आया तो ब्रदर के जगह सिस्टर कर लेंगे और कोई भी परिवर्तन अभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर बच्चों आइए हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं किनारे से टू लिख देंगे टू के बगल हम कामा लगा देंगे संयोग से कामा जो है स्क्रीन पर यहाँ नहीं लगा है फिर द प्रिंसिपल लिख देंगे द प्रिंसिपल के नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे आप उसके नीचे एरिया और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों तो आई होप जो है आप जो है शुरुआती बातों को समझ पाए होंगे इसके बाद बच्चों हमें लिखना है किनारे से ही टू वाली लाइन के नीचे सर और सर के बगल बच्चों फिर एक कामा लगा देना है उसी कामा के निचली लाइन से फिर हमें लिखना है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेक टू से दैट आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर थ्री डेज एज आई वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर ब्रदर और सिस्टर बच्चों यहीं पर हमें जो भी आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा ब्रदर है तो ब्रदर लिख देंगे सिस्टर है तो सिस्टर लिख देंगे फिर बच्चों लाइन को बदल लीजिए नए लाइन से शुरुआत से कोने से लिखेंगे आई दियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी थ्री डेज लीव फ्राम डेट अगर आपको डालना है तो इस प्रकार डाल देंगे कि दस पाँच दो हज़ार बाईस टू बारह पाँच दो हज़ार बाईस या जो भी डेट बच्चों आपको लिखना है जो उस दिन आपको छुट्टी लेनी है यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा अगली लाइन आई सेल बी हाईली ओबलाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस फिर बच्चों किनारे से थैंकिंग यू थैंकिंग यू के नीचे बच्चों हम डेट डाल देंगे डेट शादी जिस दिन आप छुट्टी मांग रहे हैं बच्चों उसके एक दिन पहले का डेट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो नौ पाँच दो हज़ार बाईस या दो हज़ार तेईस कुछ भी आप आगे लिख सकते हो जैसा सत्र बदलता रहता है और इस तरह बच्चों योर सुविडेंटली नेम क्लास सेक्शन डाल सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों नाम जो है नहीं लिखा जाता है तो नेम बराबर करके आप एक्स वाई जेड ए बी सी लिख सकते हैं बाकी सेक्शन क्लास रोल नंबर आप लिख सकते हैं दिस माई डियर स्टूडेंट दिस वीडियो कम्स टू एन एंड आई होप जो बच्चों आप इन दोनों महत्वपूर्ण अप्लीकेशंस को समझे होंगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट भी करें और जो भी बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें थैंक यू